दोस्तों, रोज़ गार्डन के इस इवनिंग व्लॉग में जैसा कि मैंने बताया था, हमने शुरू किया था सेक्टर 15 से और हम गए थे सेक्टर 15 से रोज़ गार्डन तक बाय वॉक। और बीच बीच में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कौन सा गेट कहां पर क्या पड़ता है, और बहुत सारे कॉलेज हैं इसी रोड पर, इसको विद्यापथ बोला जाता है। उसके बाद मैंने रोज़ गार्डन पहुँच के आपको बताया था कि जो रोज़ गार्डन है बिल्कुल जो आपका जो सेक्टर जो 16 है उसके लगता ही है, जो सेक्टर 16 का हॉस्पिटल है। तो मैंने अंदर चलकर रोज़ फेस्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि हर साल वो फरवरी में हर साल कंडक्ट किया जाता है, फरवरी या मार्च के महीने में रोज़ फेस्टिवल। और उसके बाद हमने कुछ लोगों से आपसे बात करवाई थी, कुछ यूट्यूबर भाई हमें मिले थे जो कि प्रैंक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, अंश जी और यहाँ पर प्रैंक जोन ऑफ, यहाँ पर अयान करके इनका चैनल है। तो कुछ लोगों से मैंने मिलवाया था, ये लोग भी यूट्यूबर थे मेरी तरह। और उसके बाद मैंने आपको वहाँ पर फाउंटेन वगैरह दिखाया था। तो आज का व्लॉग यहीं से शुरू होता गाइज। सो गाइज, यू कैन सी दिस इज़ द फाउंटेन बिहाइंड मी, ठीक है। दो फाउंटेन चल रहे हैं, एक पीछे एक वो है और एक ये देख सकते हो यहाँ पर, और एक बिल्कुल पीछे है हमारे, ठीक है, बिल्कुल पीछे आपको पता नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये दो फाउंटेन है यहाँ पर, बहुत सारे लोग आए हुए हैं भाई, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और ये है इवनिंग व्लॉग, ठीक है, इवनिंग का टाइम हो गया, देख सकते हो लाइट्स भी यहाँ पर जल चुकी हैं गाइज, ठीक है, देख सकते हो पीछे लोग, कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही मतलब घूमने फिरने आए हुए हैं, ठीक है, सारे इंजॉय करने आए हुए हैं, फैमिली के साथ लोग आए हुए हैं। आज मैं फैमिली ज़्यादा देख रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर वीकेंड है, तो वीकेंड पे लोग फैमिली के साथ घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो वीकेंड पे आपको यहाँ पर दिखाएगी, देख सकते हो यहाँ पर चारों तरफ फैमिली जी यहाँ पर बैठी हुई है। तो एक बार फिर से आपको फाउंटेन के पास लेके चलते हैं। तो गाइज, रोज़ गार्डन में घूमते घूमते हमें 11 का ग्रुप मिल गया है, ठीक है भाई, एक बार हेलो कर दीजिए। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? सागर नाम भाई। सागर नाम है, कहाँ से आए हो भाई? मैं रहता हूँ सात सेक्टर में। ओके, वैसे हरियाणा से हूँ। ओके, तो भाई हरियाणा का बंदा मिल गया मैंने, क्योंकि मैं भी हरियाणा को, और ये तो भाई हरियाणा में वीडियो बनाएगी, कोई चक्कर का नहीं, ठीक है। तो भाई कैसा लग रहा है भाई आपने यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा जी, यहाँ का अच्छा है। मुझे आप फिटनेस से देख रहे हो, कोई खिलाड़ी लग रहे हो? हम वीकेंड पे फिटनेस करने आते हैं, हमारा ग्रुप में दिखाओ जरा ये भाई, यो भाई देख लो, ग्रुप देख लो, ठीक है। और भाई बिल्कुल प्योर हरियाणवी में वीडियो बना रहा हूँ मैं इस टाइम, क्योंकि हरियाणा ग्रुप मिल गया, हरियाणा की वीडियो। तो भाई आप तो मिलकर बहुत बड़ी अच्छा लगा भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। नया यूट्यूबर हूँ, पहली बार वीडियो बनाने शुरू किया अभी, ठीक है, थोड़ी सी भाई बोलने में दिक्कत सी आ रही है। सो गाइज, आप देख सकते हो पीछे बिल्कुल शाम हो चुकी है, सूर्य दादा बिल्कुल ढल चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं सिंगिंग करने, ठीक है। वहाँ पर एक मतलब वहाँ पर जो नीचे जो अंडर पास है वहाँ पर सोलो टैलेंट आप अपना दिखा सकते हो, अभी आपको जाके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं सिंगिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वही है कि भाई कोशिश तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको, आप कोई भी वहाँ पर वीकेंड पर कोई भी परफॉर्म कर सकता है, और वहाँ पर आप डेली वहाँ पर सिंगिंग, डेली तो नहीं है ना, डेली है, तो आप कोई भी जाकर वहाँ पर, हाँ, इवनिंग में, जैसे कि अभी मौसम हो रखा है अभी बिल्कुल अच्छा ठंडा, ठीक है, को भी जोड़ ले इसमें। किसको? एनसीडी को जोड़ ले, स्ट्रेस रिमूव करने के लिए। हाँ हाँ, तो स्ट्रेस रिमूव करने के लिए यहाँ पर
वहाँ पर यार वही है देख, जो गाने के शौकीन लोग होते हैं ना उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है वो, वहाँ पर गाने का लोगों के सामने अपना टैलेंट दिखाने का, ठीक है। आप भी जाकर दिखा सकते हो और अभी मैं आपको चल के वहाँ पर दिखाऊँगा, अंडर पास के नीचे है गाइस, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं और बिल्कुल शाम हो चुकी है गाइस। हेलो कर दे ब्लॉग ट्रेजर, हेलो तो बोल दे यार। गाइस कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर फॉरेन वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। देख सकते हो चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स हैं और आज वीकेंड है तो लोग बहुत सारे आए हुए हैं। ये देख सकते हो ये सेक्टर सारे की ओर रास्ता जाता है अंडरपास से निकल के, यहाँ पर ये अंडरपास बनाया है, ऊपर से अपने साधन वगैरह निकल जाते हैं और नीचे से ये कनेक्टेड है रोज़ गार्डन। और यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पर आप कैरोके ऊपर सिंगिंग कर सकते हो 6 से लेकर 9 बजे तक। सो गाइस दिस इज़ द अंडरपास और ये कनेक्ट हो रहा है सेक्टर सतारह के, जो पीछे का जो वहाँ पर सेक्टर सतारह है वहाँ से बिल्कुल ये कनेक्शन में है। और उसके पीछे मेरे आप देख सकते हो लोग यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है, लोग यहाँ पर देख सकते हो प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैंने जैसे कि पहले बताया था, ठीक है। तो अभी आगे चलकर आपसे बात करने वाले हैं जहाँ पर सिंगिंग हो रही है, ठीक है। और मैंने जैसे कि वीडियो में दिखाया आपको यहाँ पर 6 बजे से आपको यहाँ पर सिंगिंग कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो भाई पीछे का नज़ारा, ये है अंडरपास, ठीक है। चलते हैं आगे सिंगिंग करते हैं, ठीक है। तो और सामने भाई रील्स भी बन रही है, कब से भाई आगे चलते हैं। और ये देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स मैं आपको दिखा दूँ अपनी वीडियो में, देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है। और भाई स्केटिंग का देख सकते हो, स्केटिंग का भी जो लोग क्रेज है स्केटिंग का, तो यहाँ पर स्केटिंग भी आप कर सकते हो, कितना अच्छा है। और दिस इज़ द रोज़ गार्डन गाइस, आगे चल के देखते हैं आगे जहाँ पर कैरोके पर आप कोई भी यहाँ पर सिंगिंग कर सकते हो, ठीक है। ये आपको दिखाने वाला तो आगे चलते हैं। देख सकते हो पीछे वहाँ पर सिंगिंग कर रहा है, आप भी कर सकते हो आगे, ठीक है। और अभी हम भी ट्राई करने वाले हैं, लोग बहुत सारे आए हुए हैं, देख सकते हो, देख सकते हो इससे सिंगिंग हो रही है। अभी हम ट्राई करने वाले हैं, मैं तुम्हारे लिए आता हूँ। गेट है, ठीक है। एक गेट इसका पीछे है, मतलब चारों तरफ से भाई इसके गेट बने हुए हैं, ठीक है। वो जो सारा वाला है अंडरपास से निकल गया है। तो अभी फिलहाल मैं जो हमारा ये क्या कहते हैं विद्यापथ है इस वाले गेट पे खड़ा हूँ जो विद्यापथ पे है। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। कमेंट करके बताइए आपके अपने आपके क्या क्या व्यूज है इस वीडियो के बारे में, क्या रिव्यू आपके बारे में, ठीक है, आपके इस वीडियो के बारे में। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और तो चलिए आपसे एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी, आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टा हैंडल पर भी कनेक्ट हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।